हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है कि हम थ्योरेटिकली प्रूव करने वाले हैं कि ई यानी कि EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अ रिलेशन बिटवीन दैट इज रिलेशन बिटवीन इंड्यूस EMF एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब ये रिलेशन हम प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, एक डायग्राम निकाला है। अब इस डायग्राम में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके अंदर हमने क्या लिया है, एक फ्रेम लिया है, मेटल फ्रेम लिया है। तो उसे क्या हमने किया है, प्लेस किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन में। तो फिर बाद में हम क्या करते हैं, इस जो मेटल है, ये जो मेटल है, सपोज अब ये मेटल है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। ओके, वी वेलोसिटी से हम उसे मूव करते हैं और dx डिस्टेंस पे। अब देखिए, इस नीचे वही लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम PQRS प्लेस विद इट्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी। देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम लिया है जिसका नाम दिया हमने PQRS, जो हमने प्लेस किया है इस मैग्नेटिक इंडक्शन में परपेंडिकुलर। देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन ये है और परपेंडिकुलर यानी कि ये मेटल फ्रेम किस तरह से प्लेस किया है, इस तरह से। ओके, द बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू इट। यानी कि हमने क्या किया है, इस मेटल को इस तरह से अंदर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि सपोज दैट द फ्रेम इज मूव विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी थ्रू डिस्टेंस डी एक्स इन द टाइम डी टी। यानी जैसे मैंने कहा कि हमने क्या किया, सपोज ये हमने फ्रेम किया, तो हम इस फ्रेम को क्या किया, हमने मूव किया इस तरह से मूव किया विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, और जो डिस्टेंस मूव होगा वो होगा डी एक्स, और इन टाइम डी, और इन टाइम क्या होगा, डी टी। ओके, व्हेन द फ्रेम इज मूव एंड इंड्यूस करंट इज डेवलप इन द फ्रेम द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज शोन। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को मूव करेंगे, तो वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वो चेंज होगा। और हमें पता है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर इज EMF इज इंड्यूस। तो यहाँ पर क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, और यहाँ पर जो इंड्यूस EMF होगा उसका कारण क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरह से। देखिए, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज, बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। आपको लेंस लॉ, अगर आपको पता नहीं कि लेंस लॉ क्या होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि वी नो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन मैग्नेटिक इंडक्शन अ फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स गिवन बाय फ्रेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका मतलब ये है कि हमें पता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम केप्ट करता है, यानी रखते हैं किस में, मैग्नेटिक इंडक्शन में। देखिए, अब ये क्या कर रहा है, ये मेटल फील्ड है, मेटल फ्रेम है, तो ये क्या है, करंट कैरी कर रहा है फिलहाल। तो इसे अगर हमने रखा है एक मैग्नेटिक इंडक्शन में, तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, यानी कि कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देखो, इस साइड से एक्सपीरियंस कर रहा है एफ फोर्स, इस साइड से एफ वन, और इस साइड से एफ टू। अब बात करते हैं कि इस साइड से फोर्स एक्सपीरियंस क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है वो क्या है, बाहर है, आउटसाइड द मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब आगे वाले पॉइंट में यही लिखा गया है, देखो, देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड पी क्यू, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम निकाल के रखा है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड पी क्यू, देखिए, पी क्यू एंड एस आर दैट इज एफ वन एंड एफ टू, यानी पी क्यू के ऊपर फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एफ वन, और एस आर के ऊपर फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एफ टू, आर इक्वल एंड अपोजिट। वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो कैंसिल इज कर देते हैं, यानी कि दोनों को कैंसिल इज कर देते हैं, क्योंकि वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो क्यू आर साइड है, देखिए, ये जो क्यू आर साइड है वो क्या है, आउटसाइड, इसीलिए आउटसाइड, किसके आउटसाइड है, मैग्नेटिक इंडक्शन के। देखिए क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये क्या है, क्यू आर, आउटसाइड है ना, तो इस क्यू आर पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, यानी कि हैंस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड इज जीरो। सो दस फोर्स एक्टिंग ऑन साइड पी एस इज गिवन बाय, तो अब इस साइड पर कितना फोर्स एक्ट होगा, आई बी L, यानी कि I जो है वो क्या है, करंट, B जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये L जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ दिस पी एस। ओके, तो हमें क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल, दिस क्या है, फोर्स ऑन पी एस साइड। ओके, सो बात करते हैं हम, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज अपोजिट, देयरफॉर वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स विच इज गिवन बाय,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि देखिए ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है इस तरह से, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि हमने इस तरह से मूव किया यानी कि इस तरह से, आर क्या है अपोजिट, सो देयरफॉर जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द फोर्स होगा तो वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा फोर्स क्या है एफ और जो डिस्प्लेसमेंट क्या है डी एक्स, तो हमने यहाँ पर F की जगह पर हमने जो यहाँ पर F की वैल्यू निकाली IBL वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा माइनस IBL इंटू DX। अब बात करते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, सो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स है और ये जो मोशन हो रहा है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस एल को और इस डी एक्स को अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि आगे देखते हैं, बिकॉज एल इंटू डी एक्स क्या होता है हमारा डी ए, डी ए क्या होता है एरिया कवर बाय कॉइल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे उस एल इंटू डी एक्स के जगह पर डी ए लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आई बी इंटू डी ए, लेकिन अब क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इन टू डी ए यानी कि एरिया कवर बाय कॉइल वो क्या होता है चेंज इन फ्लक्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बी डी ए इज इक्वल टू यानी कि दिस इज इक्वल टू डी फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमें क्या करेंगे बी इंटू डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे डी फाई, तो हमें क्या मिलेगा हमारा इक्वेशन नंबर वन, इफ अगर आई इज द इंड्यूस करंट इन अ फ्रेम ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF E, then the work done in time dt is also given by, अगर I क्या है हमारा induced current है किसमें फ्रेम के अंदर ड्यू टू induced EMF की वजह से, तो हमारा जो वर्क डन होगा इन dt time वो क्या होगा W इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज क्या क्या आएगा Q पोटेंशियल E, सो यहाँ पर बात करते हैं कि I dt कैसे आया, तो हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू Q बाय T, तो Q क्या हुआ I into T, यानी कि ये T को हम इधर लेके गए, तो हमें क्या मिलेगा Q is equals to I into T, तो हमने यहाँ पे क्या dt लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्क डन इन टाइम dt is given by, तो हमने क्या है यहाँ पर dt यानी कि चेंज इन टाइम, तो अब बात करते हैं कि तो ये क्या हुआ E I dt, ओके उसको सिर्फ हमने क्या किया रीअरेंज किया, तो हमें क्या मिलेगा dw is equals to E I dt, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर ये वन और इक्वेशन नंबर टू को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर देखिए ये कौन सा इक्वेशन नंबर टू और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर वन, तो ई आई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई डी फाई, तो हम क्या करेंगे हमें क्या होता है यहाँ पर आई आई गेट कैंसल, तो हमें क्या मिला ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, देखिए ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय ये हो गया डी फाई का डी फाई एज इट इज और ये डी टी कहाँ जाएगा इस साइड यानी कि आर एच एस साइड, तो हमें क्या मिला ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, जो हमें प्रूफ करना था क्या प्रूफ करना था हमें यही दैट द रेट ऑफ चेंज सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखिए हमें क्या मिला ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, जो हमें थ्योरेटिकली प्रूफ करना था यहाँ पर, देखिए हमें क्या प्रूफ करना था ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, अब इन शॉर्ट में इस सारे इक्वेशन को रिवाइज करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला एफ इज इक्वल टू आई बी एल, तो वर्क डन क्या होता है माइनस एफ इंटू डी ए डी एक्स, डी एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या किया इस एफ की जगह पर आई बी एल पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला माइनस आई बी एल इंटू डी एक्स, तो डी डब्ल्यू क्या है इज इक्वल टू माइनस आई बी, अब ये क्या है एल इंटू डी एक्स का है हमारा डी ए, तो हमने क्या किया इस एल इंटू डी एक्स की जगह पर डी ए पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आई बी इंटू डी ए, मगर बी इंटू डी ए क्या होता है फ्लक्स, क्या होता है चेंज इन फ्लक्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या किया इस डी डब्ल्यू के अंदर क्या किया हमने इस बी इंटू डी ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया डी फाइव, तो हमने इक्वेशन नंबर वन कह दिया, मगर अब वर्क डन क्या हुआ है क्यू इंटू ई, तो क्यू क्या है हमारा चार्ज, तो हमने आई डी टी जैसे कि मैंने बताया कि आई डी टी कैसे निकाला वो, और फिर हमने इंटू ई, तो हमने क्या किया इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को कंपेयर किया दैट इज ई आई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई डी फाई, तो हमने क्या किया ए आई गेट कैंसल, तो ई इज इक्वल्स टू माइनस बचा क्या ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय, और ये हमने डी टी इस साइड ले लिया, तो ये था इन शॉर्ट में कि हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।